हमारी हिंदुस्तान की एनसीसी करोड़ों में है, हमारी सिविल डिफेंस करोड़ों में है, पैरामिलिट्री फोर्सेस तो करोड़ों की तादाद में बाहर में आती है, फौज तो करोड़ों में बाद में आती, पहले तो हम लड़ना और मेरे जैसे रुलते फिरते बिट्टा जैसे कई ऐसे बंदूक उठाने वाले अपने मातृभूमि के लिए करोड़ों तैयार खड़े हैं, कहां गलतफहमी में बैठे हैं। एमएस बिट्टा साहब चेयरमैन ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के हमारे साथ जुड़ गए हैं। बिट्टा साहब आप बहुत देर से हाथ उठाए हुए, जरा इनको जवाब दीजिए। ये जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो जलेबी यहाँ पर छानने की कोशिश कर रहे हैं तलने की, जरा इनको समझाइए। अंजना जी, हम इनमें नहीं बोले, आप ये हमारे में ना बोले इस बात को लेके। बात की शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत तो वहां से हुई कि इमरान खान की एक प्रवक्ता ने कहा अब तलिबान को लेके हम कश्मीर की बात। इसका मतलब यह हुआ इनके अल्ले पल्ले कुछ नहीं रहा, 370 दारा के बाद ये लड़ नहीं सकते। हमारे पहली बात तो हम जंग नहीं चाहते, हम लड़ना नहीं चाहते, हमारे हाथ जोड़े नरेंद्र मोदी जी भी इनके पास गए थे, भैया हम जंग नहीं चाहते, आप भी अमन शांति से रहो, हम भी रहे। आपने दीनानगर पठानकोट की घटना की, एक फायर चलाया, अभी तक हमारी गोली जारी है, हमने पहल नहीं की, पहल आपकी तरफ से हुई। अब आपने कहा तलिबानियों को लेकर के हम कश्मीर, इसका मतलब आप नहीं लड़ सकते और हम लड़ना भी नहीं चाहते, पर अगर तलिबानियों के कंधे पे रख के बंदूक चलाओगे पहल आपकी होगी। 370 दारा पे भी मैंने कहा था पहल आपकी होगी, दूध फिर हम करके दिखाएंगे हम क्या करते हैं। महाराज रणजीत सिंह जी का नाम सुना होगा, जिसको कहते थे पंजाब में शेरे पंजाब, काबल कंधार तक नाम था उसकी फौज का, जर्नल था हरी सिंह नलुआ। माए कहती थी बेटा सोजा नलुआ आ गया, वो था हरी सिंह नलुआ, जिसका भी लाहौर में स्टैचू इन्होंने तोड़ तोड़ के रख दिया, वो मारा रंजीत सिंह जिसका कंधार तक नाम था। और आज मैं नरेंद्र मोदी जी को महाराज रंजीत सिंह छत्रपति महाराज से नहीं मिलाना चाहता, पर आज का हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीमाओं का चौकीदार और हिंदुस्तान का योद्धा, और चाइना में देखा होगा एक गुरतेज सिंह चाइना की तरफ से एक बार वार हुआ कृपाण लेके, क्या कहा था, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं फिर गोविंद नाम कहलाऊं, 1,25,000 में एक लड़ाऊं फिर गोविंद नाम। आपने देखा होगा हमने पहल नहीं की, पहल आपकी तरफ से होगी, हम नहीं लड़ेंगे, हम नहीं जंग के हक में, और जूझ हमारी होगी। वो वक्त अगर महाराज रणजीत सिंह का वक्त काबल कंधार तक कांपते थे लोग, तो आज तो नरेंद्र मोदी, आज तो नई नई टेक्नोलॉजी आ चुकी, हम चाहते हैं आप भी विकास करें, आप भी तरक्की के रास्ते पे जाएं। उस तलवार की बात करते नहीं है, उस तलवार की बात करते हैं जो बहनों के सुहाग उजाड़ता है, जो बच्चों को यतीम करता है, जो मानवता का कत्लेआम करता है, हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो ईसाई हो मानवता का, उसके लिए आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान खड़े होते हैं। ये आपके आपका मानवता का सबूत है जनाब, आपको जवाब देना होगा दुनिया को। आम अफगानिस्तानी क्या बिगाड़ा था, उनकी बेटियों के साथ क्या हो रहा है, उनके बच्चे तड़प रहे, प्लेन में चढ़ते दीवार उसको गोलियां मार देते हैं, उस तलिबानियों की पाकिस्तान मदद करेगा। तैयार खड़ा है हिंदुस्तान, पहल हिंदुस्तान ने पहले की ना अब करेगा। 40 जवान शहीद किए थे पुलवामा में आपने, पाकिस्तान में घुस करके बालाकोट में 500 मारे थे। आओ करो पहल, दूज हमारी, पहल हमारी नहीं होगी, हम ऐलान करते हैं। दीजिए बिट्टा साहब, फिर मैं आ रही हूँ आप लोगों के पास। अब हमारे साथ सुधांशु जी भी जुड़ गए हैं। एक मिनट बिट्टा साहब, इन्होंने कहा जब पाकिस्तान में बच्चों का स्कूल के कत्लेआम हुआ था, अंजना जी अभी वीडियो निकाल लीजिए आप आज तक की, हिंदुस्तान रोया था, हिंदुस्तान की हर पॉलिटिकल पार्टी, हिंदुस्तान में पार्लियामेंट, हिंदुस्तान में विधानसभा में, वो बच्चे आपके थोड़ा थे अकेले, पाकिस्तान के बच्चे थे, वो पाकिस्तान के हमारे बच्चे थे, बच्चे मानवता के लिए, उनका कत्लेआम हुआ, हमें दुख हुआ, हम रोए, हम अभी तक हर डिबेट पे उन बच्चों का जिक्र करते हैं। अगर ये हो जाए कि हर हिंदुस्तानी की आंखों में आंसू नहीं आए थे, तो अब भी सबके सामने मैं क्षमा मांगूंगा। से बिट्टा साहब बोले, फिर सुधांशु जी कमेंट ले रही हूं, जल्दी से बिट्टा साहब। एक मिनट, मैं एक बात इनको जवाब दे दूं। यकूब साहब, आप उनकी पत्नी की, अभी अंजना जी बात कर, उनकी पत्नी कई वर्षों से आज हिंदुस्तान में और सुरक्षित है,
सुरक्षा दी है, घर दिया है, उसको अपना समझा है, उसको किसी के साथ धोखा नहीं किया। सवाल सबसे बड़ा आप ये बताइए, आपको जब भी कोई बात करते हैं आप बच्चों की तरफ ले जाते हैं, बच्चों के बारे में करते हैं, फिर दूसरी तरफ इस वक्त जो अंजना जी ने आपसे बात की, तस्वीर दिखाई, छोटे छोटे बच्चे, माँ बाप के बच्चे अमरीका के फौजियों को कह रहे हैं भैया हमारे बच्चों को बचा रहे, उसके ऊपर आपको क्या विचार है? आप उन बच्चों का फिक्र नहीं? आप कहते फिर पुरानी बात। मैं यकूब जी, आप तो बड़े अच्छे आदमी, अच्छा कई बार बोलते, मैं आपको एक बार स्पष्ट कह दूं, हिंदुस्तान जंग लड़ाई नहीं चाहता। अगर लड़ाई चाहता होता तो प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी नवाज शरीफ को मिलने के लिए हिंदुस्तान के लोगों को नाराज करके दुबई से पाकिस्तान ना जाते। उसके बाद मैंने कहा था पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। आपने दीनानगर की घटना की, आपने पठानकोट की घटना की, हमारी लड़ाई जारी है, हम आज भी कुछ नहीं चाहते। अगर यकूब जी, अगर आप लड़ाई ही पाकिस्तान के कुछ लोग चाहते हैं तो हमें कोई इतराज नहीं। हमारी हिंदुस्तान की एनसीसी करोड़ों में है, हमारी सिविल डिफेंस करोड़ों में है, पैरामिलिट्री फोर्सेस तो करोड़ों की तादाद में बाहर में आती है, फौज तो करोड़ों में बाद में आती, पहले तो हम लड़ना, और मेरे जैसे रुलते फिरते बिट्टा जैसे कई ऐसे बंदूक उठाने वाले अपने मातृभूमि के लिए करोड़ों तैयार खड़े हैं, कहां गलतफहमी में बैठे हैं।